Bismillahirrahmanirrahim class. Assalamu alaikum. I'm Hiba Ijaz and welcome to lecture number 10. And today we'll continue our chapter number 2, that is System Development Life Cycle. I hope you all are following this series and you all are fine. So we'll start today from our topic, that is personnel involved in STLC and their role. What are the roles of these personnel? Okay. And as I told you earlier, that STLC is System Development Life Cycle. Okay. So these are the 6 personnel involved in developing a system. Okay. And its whole life cycle. So start lete hain from management personnel or team, then project manager, then aayega hamare paas system analyst, programmer, software tester and at last customer. Ye sab wo log hain jo ek project banane mein involve hote hain, theek hai? Jaise ki pehle maine bataya tha, stakeholders kaun hote hain? Har wo banda jo ke linked hota hai आपके सिस्टम से, बेशक वो उसको फंडिंग कर रहा है, बेशक वो उसको यूज़ कर रहा है, बेशक वो सिर्फ मैनेज कर रहा है या वो उसको डेवलप कर रहा है. ओके, तो अब आज हमने पढ़ना है कि एक सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में इन डिटेल देखना है कि कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं, कौन कौन सी टीम्स इन्वॉल्व हैं. ओके, कौन कौन से पर्सनल इन्वॉल्व हैं. तो सिस्टम डिवेलपमेंट लाइफ साइकिल activities are performed by different group of people, okay, and individuals, and they are called personnel. Okay, aur ye professional hote hain apne kaam karne ke liye. For example, agar hamare paas ek teacher hai, humne koi teaching karani hai, to uske liye hame ek professional teacher chahiye hoga. Okay, agar koi operation perform hona hai, like koi medical operation perform hona hai, to uske liye aapko doctors chahiye, theek hai, us team ke specialist, us team ke professional. Isi tarah hamare paas agar koi system ki development ho rahi hai, to uske andar bhi uske koi purana koi professionals honge jo ki har step ko, har ek job ko specific way mein perform karenge, aur unko hum log kehte hain personnel. Okay, तो ये हमारे पास लिस्ट है उन लोगों की, उन प्रोफेशनल्स की जो हमारे सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को बिल्ड करने में या उसको यूज़ करने में अपना रोल प्ले कर रहे हैं. ठीक है, हम स्टार्ट लेंगे मैनेजमेंट पर्सनल से. मैनेजमेंट पर्सनल और टीम. A strong management team has the ability to satisfy the customers and inquirers of the software system. अगर आपकी मैनेजमेंट अच्छी होगी, आपकी मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग होगी, तब ही आपके कस्टमर्स सेटिस्फाई होंगे, तब ही जो आपके यूजर्स हैं, जो आपके एक्वायरर्स हैं, वो आपके बनाई हुई चीज़ से सेटिस्फाई होंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कॉलेज की मैनेजमेंट टीम अच्छी ना हो, ठीक है, क्लासेस में ना स्टूडेंट्स आ रहे हो, ना टीचर्स टाइम पर आ रहे हो, तो सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट या सेटिस्फैक्ट्री आउटपुट आप लोग को कभी भी नहीं मिलेगा. ठीक है, इसी तरह हर चीज़ में मैनेजमेंट का स्ट्रांग होना, किसी मुल्क की तरक्की के लिए मैनेजमेंट का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है. लाइकवाइज, अगर एक सिंपल आप लोगों का सिस्टम डेवलप हो रहा है, उसकी लाइफ साइकिल में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो आपकी मैनेजमेंट है. अगर चीज़ें सही से मैनेज हो रही होंगी, तब ही आपका जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, जो पर्पज़ है आपके प्रोजेक्ट बनाने का, वो अचीव हो सकेगा. अदरवाइज क्या होगा कि आपका जो रिज़ल्ट होगा वो होगा फेलियर होगा. ओके, तो जो एक गुड मैनेजमेंट टीम है, उसका काम है कि वो जिस प्रोजेक्ट को जिस टाइम पर डिलीवर करना है. फॉर एग्जांपल, अगर आपका प्रोजेक्ट 10 दिनों के अंदर डिलीवर होना था, तो वो एक कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करे कि आप लोगों को इस टाइम की अंदर अंदर प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट हो जाए. ठीक है, आपका सक्सेस आपको अचीव हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम. अगर आपकी आपको प्रोजेक्ट अपना कंप्लीट करना था 50,000 के अंदर, तो आपकी जो मैनेजमेंट टीम है उसका ये काम है कि आपको वो सक्सेस ऑफ सॉफ्टवेयर विद रिगार्ड टू कॉस्ट प्रोवाइड करे. ठीक है, वो इस कॉस्ट के अंदर रहते हुए अपना काम कर सकेगी अगर वो एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम है. और जो क्वालिटी की आपने गारंटी किया था पहले कि हमारा क्वालिटी ऐसी होगी जो कस्टमर्स की डिमांड थी, उसके अकॉर्डिंगली ही आप ने डिलीवर भी करे.
ठीक है, तो ये सारे काम एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम के हैं, ये उसका रोल है एक मैनेजमेंट टीम का, उसको ये सब कुछ देखना होगा कि विद रिगार्ड टू टाइम कॉस्ट एंड क्वालिटी आपको सक्सेस, एक सिस्टम को सक्सेस अचीव हो। इसके अलावा इंश्योर करें कि कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशंस है ना वो मीट हो रही है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या बताया था कि टाइम कॉस्ट एंड क्वालिटी, ये आपको अचीव हो, इसमें सक्सेस मिले आपको। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम का ये काम है। उसके अलावा क्या काम है, सेकंड कस्टमर्स एक्सपेक्टेशंस, कि कस्टमर हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, कि आउटपुट क्या दिया जाएगा, एक्सपेक्टेशंस। ओके, अब नेक्स्ट इसका काम है एक मैनेजमेंट टीम का, कि अगर उसने एक प्रोजेक्ट डिलीवर करना है ए, ठीक है, आगे इस पे काम करना है, तो पूरी हिस्ट्री इसकी इकट्ठी कर ले। फॉर एग्जांपल अगर आप हॉस्पिटल जाते हैं कि या कोई डिजीज़ है खुदा न खास्ता, तो सबसे पहले डॉक्टर आपसे आपकी हिस्ट्री पूछता है कि आपको ब्लड प्रेशर का इशू तो नहीं रहा, आपको ये तो नहीं रहा, ये तो नहीं रहा, ठीक है, वो पूरा इन्वेस्टिगेट करता है आपके पास को, उसके बाद देखता है कि आपका फ्यूचर में आपका ट्रीटमेंट क्या करना है। इसी तरह एक मैनेजमेंट टीम, एक मैनेजमेंट पर्सनल का काम है कि वो जितनी भी हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट कर ले फॉर यूज़ इन फ्यूचर। ठीक है, हिस्ट्री, सारी हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन आपकी कलेक्ट कर ले, प्रोजेक्ट से रिलेटेड हर उसकी हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली जाए, ताकि फ्यूचर में उस पर अच्छे से काम हो सके। ठीक है, अब हमारा काम क्या था कि हमने यूज़र को उसकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली प्रोजेक्ट सबमिट कराना है। तो ये एक जो मैनेजमेंट टीम है इसका काम है कि एक मेथड ऑफ थॉट प्रोवाइड करे, ठीक है, एक नज़रिया दिखाए कि किस तरह जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मीट किया जा सकता है, और किस तरह ये चेक भी किया जा सकता है कि जितनी भी हमारे पास रिक्वायरमेंट्स थी जो डेफिनेशन प्रोसेस में जो हमने प्रोजेक्ट को डिफाइन किया था उसमें गैदर की थी, यूज़र से की टीम से गैदर की थी, ठीक है, तो वो सारी मीट हो रही हैं या नहीं हो रही। ठीक है, तो इंश्योर करता है मैथ कि जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हों, और उनको चेक करने का भी आपके पास कोई वे हो, इंश्योरिंग ऑल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट इसका काम है कि एक प्रोजेक्ट के रिलेटेड जितने भी रिस्क हैं, ठीक है, वो सारे के सारे मिनिमाइज कर दे, रिड्यूस कर दे। ओके, रिस्क के आपको बजट का रिस्क आ सकता है, ठीक है, कि आपकी फंडिंग, आपको एक्सटर्नल फंडिंग कहीं से हो रही है वो रुक सकती है, तो पहले से ही मैनेज किया हो कि आपकी अगर फंडिंग का आपकी इशू आया है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, इस तरह के आपका अगर सिस्टम डाउन हो गया तो उसका अल्टरनेट सिस्टम क्या किया जाएगा, तो सारी के सारे रिस्क जो आपके प्रोजेक्ट से एसोसिएटेड हो उन सबको पहले से ही मैनेज कर लिया जाए और उनको रिड्यूस करने की कोशिश किया जाए, साथ साथ भी और पहले भी। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो पर्सनल जो आपका इन्वॉल्व है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में है वो है प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि इसको इसके अंदर आपके मैनेजमेंट स्किल्स के साथ साथ प्रोजेक्ट के भी स्किल्स हों। ठीक है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर, उसके पास एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का बैकग्राउंड है। ठीक है, सिर्फ मैनेजमेंट तो हो, ठीक है, इसकी क्योंकि ये मैनेजर है इसके पास मैनेजमेंट स्किल्स तो होना ज़रूरी है, लेकिन क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है इसको हर चीज़ का पता होना चाहिए कि अच्छा ये सॉफ्टवेयर में ये चीज़ डेवलप हो रही है, ये चीज़ डेवलप हो रही है, ये चीज़ डेवलप हो रही है, तो ये अच्छे तरीके से सॉफ्टवेयर को तभी मैनेज कर सकेगा जब इसको उन टर्म्स का पता होगा। ठीक है, कि इन रियल इन टर्म्स का मतलब क्या है। तो आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजर है इसके पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्किल्स होना भी ज़रूरी है। ठीक है,
नेक्स्ट चीज क्या है कि ये रिस्पॉन्सिबल है प्लानिंग के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए और क्लोजिंग के लिए. ठीक है, आपके प्रोजेक्ट को प्लान तो ये कर रहा है, फिर जब वो प्रोजेक्ट आपका बन गया उसको एग्जीक्यूट कराना, उसको चलाना, उसके लिए सारे सिस्टम्स इंस्टॉल करवाना, सर हर चीज़ जो सॉफ्टवेयर जिस पे वो चलता है वो इंस्टॉल कराना, ओके, और फिर उस प्रोजेक्ट को क्लोज करना, ये सारे के सारा काम भी एक प्रोजेक्ट मैनेजर का है. इसके अलावा मैं बता चुकी हूँ कि प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए ज़रूरी है कि उसको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का अच्छे तरीके से, वाइड तरीके से पता हो, और इसको पूरी लाइफ साइकिल जो है एक प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, इसकी हर प्रोसेस का इसको कम्प्लीटली पता हो. ठीक है, जो की रोल्स हैं एक प्रोजेक्ट मैनेजर के वो हैं, सबसे पहले प्रोजेक्ट को प्लान करना, ठीक है, फिर उस प्रोजेक्ट के लिए बजट को मैनेज करना, ओके, फिर जितने भी लोग हैं उसके साथ, स्टेक होल्डर्स, जो जो भी लिंक्ड है उस प्रोजेक्ट के साथ, ठीक है, उन सबको मैनेज करना, कभी मीटिंग होल्ड करनी है, कहीं से आपने बजट लेना है, अपने सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हायर करने हैं, आपने कोई टीम हायर करनी है, तो ये सारा काम प्रोजेक्ट मैनेजर का है, वो सबको मैनेज करेगा. ठीक है, तो मैनेज करेगा इसके अलावा प्रोजेक्ट टीम को फिर उसके साथ एसोसिएटेड सारे रिस्क, पहले मैंने बताया था मैनेजमेंट पर्सनल या टीम, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजर भी एक मैनेजर है, जो पहले वाला था वो भी मैनेजमेंट है, तो ये मैनेजर जो है, ये जो लास्ट आपको बताया मैनेजमेंट पर्सनल, उसके काम भी करेगा, प्लस इसके पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्किल्स भी होना ज़रूरी है. ठीक है, इसके अलावा सारा स्केड्यूल करेगा किस किस तरह इसने लेके चलना है प्रोजेक्ट को, ओके, और जो भी कन्फ्लिक्ट आएंगे, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी किसी के साथ, या कोई प्रोजेक्ट के दरमियान भी कन्फ्लिक्ट आ रही है, कुछ आप नहीं कर सक रहे, आपको उस प्रॉब्लम के अंदर कोई फंस के उसे निकालना भी सॉफ्टवेयर डेवलपर का काम है. नेक्स्ट पर्सन है इन्वॉल्व इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज सिस्टम एनालिस्ट. A system analyst is a professional in this field of software development that studies the problem, plans solution for them, recommends software system and coordinates development to meet business or other requirements. ठीक, definition से आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि system analyst का काम क्या है, कि आपकी software development की जो पूरी cycle है उसके अंदर सबसे पहले उसको ये आइडेंटिफाई करना होता है हमें कि प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद ही आप कोई ना कोई सोल्यूशन प्लान करते हो. तो सबसे पहले प्रॉब्लम को स्टडी करना सिस्टम एनालिस्ट का काम है, उसके बाद उस प्रॉब्लम के ऊपर कोई सोल्यूशन रिकमेंड करना, वो भी सिस्टम एनालिस्ट का काम है. फिर ये सोल्यूशन जो है किसी ना किसी, फॉर एग्जाम्पल आपने पेंट करना है, आपको पेंट करने के लिए पेंट का सॉफ्टवेयर भी तो चाहिए होगा. ठीक है, तो जो आपका सोल्यूशन है उसके लिए क्या सॉफ्टवेयर चाहिए, वो भी सिस्टम एनालिस्ट करेगा, वो पूरा सब हर चीज़ को एनालाइज कर रहा है, ओके, कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन के लिए सॉफ्टवेयर कौन सा चाहिए, और जितनी भी डेवलपमेंट है ठीक अपने बिजनेस के लिए या रिक्वायरमेंट के लिए, उन सब की कोऑर्डिनेशन करना भी सिस्टम एनालिस्ट का काम है. ठीक है, तो ये क्या करता है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, कि एक सिस्टम को मैंने बताया कि ये इसका पूरा का पूरा फ्लो बताता है. ठीक है, कि सिस्टम हमारा जो है वो किस तरह चलेगा. जब इसने सोल्यूशन बताया तो सोल्यूशन में इसने बता दिया कि अच्छा पहले ऐसे होगा, फिर ये स्टेप होगा, पहले हम लोग लॉगिन करेंगे, देन हम लोग अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग जो भी हमें रिजल्ट मिला एंड देन हमने लॉग आउट कर लिया. तो पूरा आपके सिस्टम किस तरह फ्लो करेगा, ये सिस्टम एनालिस्ट का काम है बताना. फिर इसका काम है कि जो कस्टमर्स हैं ठीक है उसके साथ इंटरेक्ट करें और जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको गैदर कर लें. ठीक है, जो कि बाद में आपके सिस्टम को बनाने के लिए यूज़ होंगी. इंटरेक्ट विद कस्टमर्स टू लर्न एंड डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स दैट आर देन यूज टू प्रोड्यूस बिजनेस रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट्स. ओके, नेक्स्ट आपका मैंने बताया कि सॉफ्टवेयर कौन सा, सिस्टम कौन सा यूज़ करेगा, तो जितनी भी टेक्निकल आपकी रिक्वायरमेंट्स होंगी ना ये सिस्टम एनालिस्ट करेगा. ओके, और ये फिर डिज़ाइनर्स के साथ
डिजाइनर्स का काम क्या होता है कि बेसिकली जो फ्रंट एंड है आपके सिस्टम का वो डिजाइन करें, ठीक है। तो डिजाइनर के साथ और ये सिस्टम एनालिस्ट, ये दोनों मिलके इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या कमी बेशी रह गई है, क्या लिमिटेशन रह गई है, ये डिस्कस करते हैं, इस चीज को एनालाइज करते हैं। और कोडिंग किसने करनी होती है, सिस्टम बनाना किसने होता है, प्रोग्रामर्स ने, ठीक है। तो प्रोग्रामर्स अगर किसी प्रॉब्लम में फंस जाएं तो उनकी हेल्प भी करना सिस्टम एनालिस्ट का काम है। उसके बाद प्रोग्राम जब बन जाता है, पूरा सिस्टम बन जाता है, उसको हम टेस्ट करते हैं क्या ये ठीक है कि नहीं है। तो टेस्टिंग का काम भी बिजनेस एनालिस्ट का है, ठीक है। और जब हम लोग कोई भी चीज़ प्रोडक्ट खरीदते हैं उसके साथ एक मैनुअल मिलता है, कोई एयर कंडीशनर खरीदा आपने, उसका मैनुअल मिलता है कि इसको कैसे कैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो ये मैनुअल्स, यूजर मैनुअल्स मेंटेन करना और जो भी रिक्वायरमेंट्स आपको पहले सिस्टम बनाने के लिए वो दरकार थी, वो सारी की सारी डॉक्यूमेंटेशन करना और यूजर मैनुअल्स बनाना भी सिस्टम एनालिस्ट का काम है। तो सिस्टम एनालिस्ट का काम है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आए उसको आइडेंटिफाई करे, उसके लिए कोई सोल्यूशन बताए, फिर सोल्यूशन के लिए कोई सॉफ्टवेयर रिकमेंड करे और बिजनेस मीटिंग्स रखे ताकि आपको रिक्वायरमेंट्स का अच्छे से पता चल सके, ठीक है। और सिस्टम एनालिस्ट के पास डिफरेंट कंप्यूटर लैंग्वेजेस की एक्सपर्टीज होनी चाहिए, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम का पता होना चाहिए, उससे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर के हार्डवेयर दोनों का पता होना ज़रूरी है, तभी वो पूरे का पूरे सिस्टम का फ्लो प्लान कर सकेगा, ठीक है। वो कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट करके रिक्वायरमेंट्स को सही तरीके से गैदर कर सकेगा जब उसको पता होगा कि हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो इन चीज़ों से लिंक्ड जो भी प्रोजेक्ट होगा वो उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकेगा, जो भी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स होंगी वो उनको डिफाइन कर सकेगा, डिजाइनर्स के साथ इंटरेक्ट करके वो देख सकेगा कि क्या लिमिटेशंस है, वो प्रोग्रामर्स की हेल्प कर सकेगा, प्रोग्रामिंग जो हो चुकी होगी उसकी टेस्टिंग कर सकेगा, ठीक है, और यूजर मैनुअल्स बना सकेगा। तो ये सारे के सारे काम एक सिस्टम एनालिस्ट के हैं। इसके बाद हमने देखना है कि एक प्रोग्रामर कौन होता है। जैसे मैंने बताया प्रोग्रामर का काम क्या होगा, प्रोग्रामिंग करना, ठीक है। और प्रोग्रामिंग क्या है, एक टेक्निकल काम है, ठीक है, टैक्टिक्स इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर। तो ये प्रोग्राम्स बनाता है, तो प्रोग्रामर एक टेक्निकल बंदा है जो कि कंप्यूटर के प्रोग्राम्स लिखता है, और कंप्यूटर के प्रोग्राम लिखने के लिए आपको कंप्यूटर की लैंग्वेज आनी चाहिए जिसके थ्रू आप कोई भी सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। अब प्रोग्रामर प्रोग्राम लिखता भी है, उसके साथ साथ प्रोग्राम को टेस्ट भी करता है कि यार उसने ठीक लिखा है कि नहीं लिखा, अगर कहीं पे उसको कोई गलती महसूस हो रही हो तो वो उसको ठीक भी करता है, ठीक है। और उसके बाद वो मेंटेन करता है डिटेल इंस्ट्रक्शंस दैट आर एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर टू परफॉर्म देयर फंक्शंस। मतलब कि इसका मतलब भी इनडायरेक्टली यही है कि वो प्रोग्राम लिखता है, क्योंकि अगर आपने कोई चीज़ इस तरह लिखी हुई है, एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, तो आप क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं और कंप्यूटर को पता चल जाता है कि उसने क्या काम करना है, क्या फंक्शन परफॉर्म करना है, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर पर एग्जीक्यूट होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है ए प्लस बी, तो ये आपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दी और ये कंप्यूटर के ऊपर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। आपने लिखा सी प्लस डी, तो ये कंप्यूटर के ऊपर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। तो ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं इनको हम लोग कहते हैं प्रोग्राम, और प्रोग्राम लिखने का काम है एक प्रोग्रामर का। और जब तक एक प्रोग्राम नहीं लिखा जाएगा कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम नहीं बन सकता, क्योंकि सॉफ्टवेयर बेसिकली एक है ही सेट ऑफ प्रोग्राम्स, ठीक है। और प्रोग्राम का ठीक होना, उसको टेस्ट करना भी ज़रूरी है, अगर कोई गलती है तो उसको डीबग करना भी ज़रूरी है। तो आई होप समझ आ रही होगी आप लोगों को। नेक्स्ट हम चलते हैं टेस्टर की तरफ, ठीक है। पहले सॉफ्टवेयर जो डेवलपर है वो सारे के सारा उसने प्रोजेक्ट को बना दिया, ठीक है। एक जो प्रोग्रामर है उसने एक प्रोग्राम बना दिया, एक सिस्टम बना दिया, और उसने अपनी तरफ से तो टेस्ट कर लिया कि जो हमने जो ये सिस्टम बनाया है ये ठीक है, लेकिन 100% श्योरिटी नहीं होती कि प्रोग्रामर ने अगर टेस्ट कर लिया है तो वो ठीक ही होगा, ठीक है। क्योंकि प्रोग्रामर की जो स्पेशलिटी होती है वो होती है प्रोग्रामिंग करना। टेस्टिंग के लिए भी आपके पास कंप्यूटर प्रोग्रामर्स ही होते हैं, लेकिन उनकी स्पेशलिटी होती है टेस्टिंग के लिए, ठीक
ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्टिंग्स होती हैं, उसके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट केसेस लिखते हैं, ठीक है, ये भी आपके स्कोप से बाहर हो जाएगा। बस आप ये समझें कि जिस तरह एक प्रोग्रामर है, इसी तरह एक और इंडिविजुअल होता है टेस्टर। प्रोग्रामर का जो बेसिक काम है वो है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखना, कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शंस देना ताकि वो उस पर एग्जीक्यूट हो जाए और कोई प्रोग्राम बन जाए, ठीक है। और टेस्टर का काम है इन इंस्ट्रक्शंस को वन बाय वन टेस्ट करना कि क्या सारी इंस्ट्रक्शंस ठीक हैं कि नहीं। ऑल द प्रोग्रामर अपने एंड से सब कुछ टेस्ट करके भेजता है, लेकिन हो सकता है कि कहीं पे कमी बेशी हो जाए, और मोस्ट ऑफ द केसेस हो जाती है, ठीक है। तो जब तक टेस्टिंग ना हो जाए एक प्रॉपर तरीके से उनके स्पेशलिस्ट, टेस्टिंग स्पेशलिस्ट से, तब तक प्रोडक्ट आगे कस्टमर तक नहीं पहुंचाया जाता, ठीक है। तो कोई भी डिफेक्ट हो, कुछ भी हो, सॉफ्टवेयर टेस्टर उसको रिपोर्ट करता है। नेक्स्ट एंड जो लास्ट हमारे पास पर्सनल है किसी भी सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का, वो एक कस्टमर है, एंड यूजर है जिसको प्रोडक्ट दिया जाता है, ठीक है। एंड इंडिविजुअल ई भी हो सकता है और या कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, केआरएल का कोई एक स्पेसिफिक, आपके कॉलेज का कोई एक स्पेसिफिक बंदा भी हो सकता है, ठीक है, और पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, ठीक है। अ कस्टमर इज एन इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज अ करंट और पोटेंशियल बायर और यूजर ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। तो इतना ही, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। एंड थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे प्लीज पूछें। एंड असाइनमेंट आई होप सबने सबमिट करा दी होगी है, आज जो आज सबमिट करानी थी। नेक्स्ट असाइनमेंट आपकी है चैप्टर नंबर 2 से, और वो मुझे नेक्स्ट मंडे को चाहिए, ठीक है, कमिंग मंडे। आज तो मंडे हो गया, नेक्स्ट मंडे को मुझे चाहिए। तो सारे करें, पार्टिसिपेट करें क्लास में, क्वेश्चंस पूछा करें। एंड थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।